व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने दिखाया था आपको टीवीएस एंटॉर्क एक्सटी 125 का ओनरशिप रिव्यू। तो उस वीडियो में हमने बताया था आपको कि इसका डिटेल में हम आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो फीचर्स वगैरह है, जो मोबाइल से कनेक्ट करना है, उसको हम आपको डिटेल में दिखाने वाले। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अंदर के फीचर्स दिखाने वाले, फोन से कैसे कनेक्ट करना है और क्या क्या फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीजें दिखाएंगे। और इसको समझाने वाले हमारे निकू भाई। तो निकू भाई, आप अभी समझाने के लिए तैयार हो? हाँ। तो मीटर में जो जो चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इन्हें सारी चीजें इसमें नॉलेज ले ली है। हाँ। तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले किस तरीके से इसे कनेक्ट करना होता है? सबसे पहले तो इसका एक ऐप आता है। अच्छा। तो टीवीएस कनेक्ट करके ऐप है, आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों में मिलता है। अच्छा। तो इस टाइप का आता है कुछ लोग। अच्छा, टीवीएस का जो घोड़ा बना है टीवीएस कनेक्ट। सबसे पहले तो ये, जैसे मैं पहले तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी इसकी, फिर सर्विस में गए हम तो उनने कनेक्ट करके दिया हम, तो उसमें हमारी डिटेल फिल करी उनने। अच्छा, तो डिटेल मतलब ये मीटर में फिल करते हैं या अपना फॉर्म वॉर्म वगैरह? इसमें ऐप में ही फिल होता है। अच्छा, उसके बाद कोई आपको ओटीपी वगैरह कुछ देते होंगे? वो नंबर और एड्रेस और नेम डालना पड़ता है उसमें, फिर उसका एक चेंजेस नंबर पड़ता है स्कूटी। अच्छा। तो उसमें से फिर उसके बाद हमारे उसमें नोटिफिकेशन आता है, फिर कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आप अपने सिर्फ इसी फोन से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर फिट है, या कोई भी कर सकते हैं? ना, दूसरा कोई भी कर सकते हैं। अच्छा। चेंजेस नंबर और मोबाइल नंबर। अच्छा, एक तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ। हाँ। करने का सीन है। तो निकू भाई, एक बार इसको कनेक्ट करके भी दिखा दीजिए किस तरीके से करना है। जैसे अभी इसका एक ऐप आता है, तो मेरे को अभी तो खाली ब्लूटूथ ऑन करना है क्योंकि मेरा पहले से डिटेल फिल है इसमें। अच्छा। तो इधर पे मोड का ऑप्शन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। अच्छा, ये मोड वाले को लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करना है और ये आगे टीवीएस कनेक्ट। अब मैं इधर से ब्लूटूथ ऑन करके इससे कनेक्ट कर दूंगा ऐप। अच्छा, पहले डिटेल भरी थी तो इसमें मेरा नाम वाम सब पहले से आ गया, तो अभी इसमें यारी डिटेल बता पाऊंगा। तो गाइस यहाँ देखिए, अभी इंटरफेस आपको इस तरीके का दिख रहा है। इसमें अभी ये कनेक्ट नहीं है, क्योंकि कनेक्ट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है इसमें। तो पहले हम आपको ये सारे फीचर्स समझा देते हैं कि क्या क्या हैं, फिर उसका कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आता है कि व्हीकल ओवरव्यू, इसमें आपकी टॉप स्पीड और ये सब कुछ दिखा देगा। अच्छा, मतलब पूरी डिटेल रहेगी इसमें। डिटेल तो काफ़ी अच्छी तरीके से दी है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें माई राइड्स, कि मतलब लास्ट राइड कितने की थी, कितने किलोमीटर की टॉप स्पीड। अच्छा। क्या थी उसमें और इसमें क्या टाइमिंग वगैरह। अच्छा, ड्यूरेशन दिखा रहा है, कितनी आपने चढ़ाई। 3.7 किलोमीटर 26 की एवरेज स्पीड में और इतने टाइम पे कवर कर। अच्छा, एक ये है और इधर पे माय सर्विसेज हैं, कि मैंने एक लास्ट वीक से सर्विस करवाई है उसका भी इसमें डाटा है। अच्छा। और कि नेक्स्ट सर्विस कब आएगी ये भी बताया। अच्छा, वो सब फील इसमें आपको पहले से मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है सेटिंग्स, तो इसमें हम लोग डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस और ये सब। अच्छा, ये तो कनेक्ट होने के बाद ही काम करेगा। हां, ये कनेक्ट होने के बाद ही काम आएगा। चलिए, ये भी सही है। और इसके बाद लास्ट पार्क लोकेशन, जैसे आपका कोई और लेके गया है तो उसमें ये भी पता लग जाएगा कि लास्ट पार्क कहाँ पर। अच्छा। अच्छा, मतलब लास्ट पार्किंग अभी कहाँ हुई है वो सब बता देगा, वो सब पता लग जाएगा। अच्छा। और एक तो ये हाउ टू है, इसमें मतलब इसकी डिटेल्स होंगी। सर, कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी इसमें सारी डिटेल्स हैं। अच्छा अच्छा, हम वो वीडियो रिलेटेड ही होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें डिजी डॉक्स हैं, इसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये तो सही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से रख सकते हैं। इसके बाद जो मेन है इसका कनेक्ट है, इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ब्लूटूथ खोला उसके बाद सीधे। हाँ, जैसे ब्लूटूथ खोलूंगा तो सीधे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी आ रहा है तो इसमें एक तो स्पीड बता देगा। अच्छा, मतलब ये तब काम आता है जैसे माउंट लगा है। अच्छा, मतलब चलती हुई राइड में आपको दिखाएगा कितनी स्पीड चली। वॉइस कमांड भी लेता है। अच्छा, मतलब ये फैमिली वालों के लिए बढ़िया होगी, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं कितनी स्पीड में चल रहे हो, तो ये यूजफुल है। जैसे वॉइस कमांड है अभी हम लोग देंगे तो ये मोड भी चेंज कर देगा। अच्छा, तो इसका भी कुछ किस तरीके से करना है, कुछ डेमो वगैरह। जैसे ये चेंज टू स्पोर्ट्स मोड, तो मीटर में शो करेगा ना। हाँ, मतलब जो मैं बोलूंगा मतलब आ तो जाएगा। अच्छा, वो इधर भी दिखाएगा, वहाँ भी। अच्छा, तुम्हारे उसमें फोन आ रहा था। हाँ, वो तो दिख रहा है उसमें। जो जैसे मतलब कॉल भी आएगा तो वो सब इधर भी दिख। अच्छा, वो सब यहाँ दिख जाता है बढ़िया से। तो निखिल भाई, जैसे इसमें एक ऑप्शन और है ना, जैसे हम इसमें नेविगेशन वगैरह मतलब अपनी GPS ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी अपने पास फोन रखते हैं आपका वाला। हाँ। और आप राइड में चले जाते हो तो हमको सब पता चल जाएगा ना कितनी स्पीड में चल रहे हो क्या, तो उसका भी एक डेमो ले लें। हाँ हाँ, ठीक है, ये आप फोन पकड़ लीजिए, मैं दिखाता। तो अभी इसमें इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिख रहा है। ऊपर आ रहा है सारा, मीटर किलोमीटर्स भी आ रहे हैं और यहाँ सारा मैप का सारा सीन दिख रहा है। तो चलिए अब गाइस देखिए, आपको सारी स्पीड दिख रही है, कितने की स्पीड में चल रही है, 30-31, और RPM भी पूरा बड़ा हुआ दिख रहा है। पेड़ तो नहीं है,
हाँ ये आ गया देखिए। तो गाइस आपको देखा वी टू में मारा था हमने, तो इसमें लोकेशन में आ गया है कि किस जगह में एग्जैक्ट अभी गाड़ी चल रही है। तो स्कूटर आ गया है, तो मैप आपने देख लिया, स्कूटर हमारे सामने है और स्पीड वगैरह सब जीरो हो गई है। तो काफ़ी यूजफुल फीचर लगा हमें, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो अपने बच्चों की लोकेशन वगैरह सब देख सकते हैं, कितनी स्पीड है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ यूज़फुल है काफ़ी। तो कहीं जैसे कि अभी निखिल भाई हमारे राइड करके आ गए, तो उसमें अब किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको शो होने वाली कि हमने पिछली राइड में क्या करा था, वो किस तरीके से हुई वो पूछ लेते हैं, तो वो बता दीजिए एक बार। तो इसमें जैसे मैंने खड़ी कर दी है, तो अब मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ब्लूटूथ, अच्छा ब्लूटूथ ऑफ करा तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया, फिर ऐप रिस्टार्ट करना। अच्छा हाँ, तो अब इसमें दिखा देगा कि तो लास्ट लोकेशन किस तरीके से देखनी पड़ेगी। अच्छा मतलब ये जो ऊपर सारी चीजें दिख रही है, हाँ हाँ ये डिटेल, ये लास्ट वाली है। हाँ, तो ये थोड़ी लंबी राइड करनी पड़ेगी तब ये अच्छे से दिखा पाए। अच्छा हाँ। अच्छा मतलब ये आधा किलोमीटर से बहुत कम हुआ है, 100 मीटर भी नहीं हुआ है। तो ये डिटेल्स आपको गाइस यहाँ दिख जाती है सारी की, जो आपने राइड वगैरह करी थी, कितना किलोमीटर करी, कितने की स्पीड में करी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ फ्रंट में दिख जाती है। बस एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद सारा दिख जाता है आपको। तो गाइस निखिल भाई ने हमको सारी चीज़ें समझाई दी हैं, तो थैंक यू निखिल भाई आपको यार इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए व्यूवर्स को। और बाकी चीज़ आपने देखी गाइस, इसमें जो भी चीज़ें थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी, डेमो करके दिखा दी है, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है, क्योंकि आप भी अगर लेते हैं फ्यूचर में स्कूटर लेते हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। और दूसरी चीज़ जैसे पेरेंट्स वगैरह के लिए अगर हम बात करें, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यूथ को ये ज़्यादा पसंद आती है, तो यूथ का क्या है यार, कभी भी बिन बताए कहीं भी चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता रहे, उनको डिटेल पता रहे, उनके फ़ोन में सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी सेफ्टी फीचर है। वो पता कर सकते हैं कि यार कौन सी लोकेशन में भी बच्चा गया हुआ और कितने की स्पीड में चल रहा है, कितने किलोमीटर राइड कर दिया, किस जगह में है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पता चल सकती है। और जो इस स्कूटर को अभी लेने वाले हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये चीज़। और आपके नोन में कोई अगर लेना चाहता है ये स्कूटर, तो उनको भी यार ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, काफ़ी डिटेल हमने इसमें बता दी है, तो जिसको नहीं पता शुरू में स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। बाकी गाइज यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में दिखानी थी, हमने आपको दिखाई दी है। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यार गाइज प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। मिलते हैं इसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।